फ्रेंड चलो चेक करते हैं, देखते हैं पानी बॉयल हुआ कि नहीं इसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं ये देखिए फ्रेंड अभी 5 मिनट हो गए हैं, 5 से 7 मिनट अभी तक पानी बॉयल नहीं हुआ, गर्म जरूर हो गया। लेकिन अभी हमें इसको वेट करना पड़ेगा क्योंकि ये जब तक उबलेगा नहीं पानी तो हम इसमें साग ऐड नहीं करेंगे। ठीक है फ्रेंड चले अभी 5 मिनट और वेट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खुश और आबाद होंगे। नेक दुआ के साथ, नेक तमन्नाओं के साथ स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जी फ्रेंड्स, आज हमारे घर में बन रहा था साग, तो सोचा आप इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ भी शेयर करें। आप लोग भी जब बनाओ तो अपना फीडबैक मुझे जरूर देना। तो जी फ्रेंड जी, आज ये आपको पता साग जो है वो असल ट्रेडिशनल रेसिपी है, गांव में ज्यादातर बनी जाती है, मिट्टी के बर्तन पे बनाई जाती है और खास तौर पे नीचे लकड़ियों वाला चूल्हा होता है उसके ऊपर मिट्टी का बर्तन रख के तो ये साग रेडी करते हैं। तो मेरे पास मिट्टी का बर्तन है लेकिन गैस पे बना रही हूँ मैं, लेकिन बहुत अच्छा बनेगा, आप ट्राई करना और मुझे जरूर बताना। ठीक है फ्रेंड, एक अदद मैंने मिट्टी का बर्तन ले लिया, इसमें मैंने डाला 1 लीटर पानी और मैंने फ्लेम ऑन कर दिया, हाई फ्लेम पे रख के मैं पानी को बॉयल होने दूंगी। और इसमें सबसे पहले फ्रेंड इसमें जो ऐड होगा वो सबसे पहले नमक ऐड होगा, मैं इसमें डालूंगी 2 चम्मच जो है ना बड़े खाने वाले टेबलस्पून नमक। जी फ्रेंड ये देखें 2 टेबलस्पून मैं इसमें डालूंगी नमक, ये देखें। और मैंने इतना ज़्यादा नमक क्यों ऐड किया ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, जैसे जैसे आपकी वीडियो स्टार्ट होती रहेगी तो मैं आपको बताऊंगी कि मैंने इतना ज़्यादा नमक क्यों ऐड किया। जी फ्रेंड अब इसको मैं बॉयल आने देती हूँ, जब तक हाई फ्लेम पर रख के इसको बॉयल आने देती हूँ, जब ये बॉयल आएगा तो फिर हम इसमें साग ऐड करेंगे। अभी जो है मैंने इसको कवर कर दिया और मैं आपको साग दिखाती हूँ। जी फ्रेंड्स ये देखिए मेरे पास ये साग है और इसमें ये देखिए ये बाथू भी है, साग भी है और इसमें बाथू भी ऐड है। ठीक है फ्रेंड, ये मेरे पास तकरीबन 3 किलो साग है, 1 किलो बाथू और 2 किलो पालक। ठीक है फ्रेंड, अभी इसमें मैंने सिर्फ साग और जो है बाथू डाला हुआ है, इसको पहले वॉश कर लूँ। ये स्ट्रेनर है, स्ट्रेनर की हेल्प से अच्छे से वॉश हो जाएगा। ये वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा कि इसमें डस्ट ना हो, आपको पता है इसमें मट्टी बहुत ज्यादा होती है। इसको बहुत अच्छे खुले पानी से पहले इसको वॉश कर लेते हैं, जब तक उसको बॉयल आता है तो चले इसको मैं पहले वॉश कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ इससे आगे हम क्या करेंगे। जी फ्रेंड अब इसमें से धोए नहीं करें, इसका मतलब पानी बॉयल हो गया। चले बिस्मिल्लाह करके खोल देते हैं, बिस्मिल्लाह। जी फ्रेंड ये देखिए पानी बॉयल हो रहा है, चले अब इसमें मैं साग डालती हूँ। जी फ्रेंड ये देखिए मैंने बहुत बारीक बारीक काट कट किया है क्योंकि हमारे घरों में शुरू से ही मेरी नानी दादी और अम्मा वगैरह ये इसी तरह ही काट के बारीक काट के बनाते थे। आप वैसे बॉयल करके बना सकते हैं लेकिन उसमें वो टेस्ट नहीं आता जो आप इस तरह बारीक कट करके बनाते हो। ये देखिए इस तरह मैंने सारा इसमें ऐड कर दिया। अभी मैं जब इसको एक बॉयल आएगा तो ये सारा जो है ना सॉफ्ट हो जाएगा ना, फिर इसमें मैं पालक ऐड करूंगी। ये देखिए ये इस तरह सारा इसमें ऐड हो गया अब, और इसको मैं अभी इसमें चम्मच नहीं लगाऊंगी, इसको मैं इसी तरह दोबारा कवर कर दूंगी इस तरह। अब इसको दोबारा पकने देते हैं थोड़ी देर के लिए, इसको 1 से 2 बॉयल बड़ा आ जाए। ठीक है, उसके बाद जो है ना मैं इसमें पालक ऐड करूंगी, वो भी मैं आपको दिखा के ऐड करूंगी। अभी इसमें सिर्फ मैंने पानी नमक और सिर्फ साग ऐड किया, इसमें मैंने कुछ भी ड्राई जो मसाले वगैरह वो कुछ नहीं ऐड किया, ना इसमें मैंने कोई और चीज ऐड की। ठीक है, वो कब यूज करनी और कब कब डालने तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। चले अब दोबारा इसके बॉयल होने का वेट करते हैं। जी फ्रेंड इसको ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट हो गए, चलिए इसको खोल के चेक करते हैं। ये देखिए फ्रेंड सारा जो साग था ना, ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए सारा सॉफ्ट हो गया। अब इसमें मैं पालक ऐड करती हूँ। फ्रेंड मेरे पास 3 किलो साग था, 1 किलो बाथू है और 2 किलो पालक है, ये मेरे पास मेरी क्वांटिटी के हिसाब से इतना है। आप लोग जो है ना इस एक्यूरेट से बनाएंगे तो इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा बनेगा। चलिए अब इसमें मैं पालक ऐड करती हूँ, इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से धो लिया हुआ है और ये देखिए मैंने किस कदर बारीक कट किया हुआ है ताकि एक तो ये जल्दी गल जाएगा और दूसरा जो है ना ये क्या कहते हैं ये घोटने में बहुत इजी हो जाएगा। ये देखिए इस तरह मैं सारा इसमें ऐड कर देती हूँ। ये देखिए मैंने सारा इसमें ऐड कर दिया। अब इसी तरह फिर मैं इसको ना इसको मैं फिर कवर करके रख देती हूँ। जी फ्रेंड ये देखिए मैंने फिर इसको कवर करके रख दिया। अब इसको जो है मैं इसको 15 से 20 मिनट बाद इसको हल्का सा हिला दूंगी, उसके बाद 2 घंटे के लिए इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे छोड़ दूंगी।
जी फ्रेंड, इसको ऑलमोस्ट पकते हुए तकरीबन 2 घंटे होने वाले हैं। मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पे रखे इसको पकने छोड़ा, तो अब खोल के तो इसको देखते हैं। तब से मैंने इसको दम पे लगा था, लेकिन मैंने इसको खोला नहीं था। अब मैं खोल के तो आपको दिखाती हूँ इसकी कितनी हद तक ये गल गया और किस हद तक ये तैयार हुआ है। यानी बिस्मिल्लाह, चले ये देखिए माशाल्लाह, बिल्कुल तो मतलब तक गल गया। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे रख, ये देखिए फ्रेंड्स, ये तो बिल्कुल गल गया। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो गया। चले जी फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, इसमें मैंने जस्ट पानी डाला था, ठीक है, नमक डाला था और मैंने सारा इसमें डाल दिया था, ठीक है, पकने के लिए छोड़ दिया था। चले अब मैं इसको ना सारा इसको पानी को मैं रिमूव करूंगी और वापस इस बर्तन में डालती हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ। जी फ्रेंड, ये एक अदद मैंने ब्लेंडर ले लिया, इसमें मैं डालूंगी हरी मिर्चें। जी फ्रेंड, ये एक पाव से थोड़ी सी ज़्यादा हरी मिर्च है, क्योंकि मुझे ज़्यादा हरी मिर्चों में अचार पसंद, साग पसंद है, तो मैं इसलिए ज़्यादा हरी मिर्च ऐड करती हूँ। अब मैं इसको डालती हूँ ब्लेंडर में। फ्रेंड्स, ये देखें मैंने इसमें सारी हरी मिर्चें डाल ली हैं और देखें इसमें पानी नहीं है, जस्ट मैं पानी के बिना इसको इसको ग्राइंड करूँगी। जी फ्रेंड, ये देखें मैंने इसको ऑलमोस्ट जो है ना ब्लेंड कर लिया बिना पानी के, और इसमें ये हल्के हल्के इसके जंग्स आ रहे हैं, तो ये मैं इसको भी और काट लूँगी। ये देखें इस तरह स्मूथ इसकी करनी है, ये देखें, ठीक है। चलिए अब मैं इसको साग का पानी निकाल लूँ। जी फ्रेंड्स, ये देखें मैंने सारा पानी ड्रेन कर दिया, अब मैं वापस साग इसमें शिफ्ट कर देती हूँ। ये देखें अब इसको मैं चम्मच की मदद से ना इसमें डाल देती हूँ वापस, ये देखें। और फ्रेंड्स, फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है, क्योंकि अभी मुझे फ्लेम नहीं चाहिए, ऑन करना नहीं है मैंने अभी इसको, अभी मैंने इसको घोलना है और फ्लेम को बंद करके ही घोलना। अब मैं बताऊंगी आपको इसमें हम क्या क्या ऐड करेंगे। देखिए मैं इसमें डाल दी, ठीक है, ये देखिए इसमें थोड़ा बहुत हल्का हल्का पानी, ये देखिए इसमें अभी है, ये देखिए मैंने बिल्कुल नहीं इसको रिमूव किया क्योंकि मुझे चाहिए इसमें थोड़ा सा पानी। चले अब इसको घोटते हैं। जी फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने सारा इसको अच्छे से घोट के ना, ये देखिए बिल्कुल रेडी कर लिया। मैंने और मेरे भाई आए हुए थे, तो उन्होंने, हम दोनों ने मिलकर यार इसको तैयार कर लिया घोट के। अब मैंने इसको दोबारा जो है चूल्हे फ्लेम मीडियम टू लो फ्लेम पे रख के ना इसको हल्का सा सिर्फ गर्म करूंगी, और साथ साथ तब तक मैं जो है ना इसका जो है तड़के का जो सामान है ना मैं वो भी रेडी कर लेती हूँ, ठीक है। तो मैं तड़का लगा के फिर मैं तड़का लगाने लगी हूँ, फिर मैं आपको भी दिखाती हूँ। तब तक ये थोड़ा सा गर्म हो जाए अच्छे से और ये थोड़ा सा पक भी जाए, क्योंकि इसमें मैंने जो हरी मिर्च डाली है और स्पाइसेस डाले हैं ना और जो आटा इसमें ऐड किया ताकि वो जरा अच्छे से पक जाइए, ये इसको थोड़ा सा पकने देते हैं धीरे। चलिए इसको थोड़ा सा गर्म होने देते हैं फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, ये अच्छे से गर्म हो गया, ये देखें आप कैमरे में नजर आ रहा है अच्छे से, ये अब गर्म हो गया। चले अब मैं इसको उतार देती हूँ, अब तड़का इसका रेडी करते हैं। जी फ्रेंड, एक अदद मैंने पैन ले ली, अब इसमें डालूंगी घी। आप लोग असल जो साग है ना उसको घी में ही मजा आता है, या आप देसी घी में बनाओ तो या उसमें बनाओ। अब जी फ्रेंड, ये देखिए मेरे पास ये तकरीबन आधा किलो घी, एक पाव के करीब घी है और ये प्योर देसी घी का है, ठीक है। आप चाहो तो मक्खन वगैरह में भी बना सकते हो, लेकिन ये देसी घी में साग का असल जो टेस्ट है वो देसी घी का ही है। फ्रेंड्स, ये देसी घी थोड़ा सा गर्म होने दें।
फ्रेंड्स ये देखिए मेरे पास लहसुन अदरक मैंने चॉप कर लिया, ठीक है। अभी मैं इसमें ऐड कर दूंगी ताकि ये दोनों चीजें साथ ही हो जाएं। ये देखिए अब इसको मैंने लो फ्लेम पे रख दिया, तब थोड़ा सा ये गर्म होने दे तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स ये पकना शुरू हो गया है। ये देखिए इसको मैंने चम्मच से हिला दिया, वो फ्रेंड इस कदर खूबसूरत खुशबू आ रही है और इसके देसी घी का जो फ्लेवर हो रहा है ना साथ लहसुन अदरक का, तो मैं आप लोगों को बता नहीं सकती किस कदर अच्छी खुशबू उड़ रही है साग की और साथ इसकी। तो प्लीज़ फ्रेंड्स बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर रखिए। अगर जो न्यू मेंबर्स हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन नोटिफिकेशन पे करें ताकि इस तरह की मैं और वीडियो बना सकूँ। आपके एक लाइक से मेरी हौसला अफजाई होती है ताकि मैं और मेहनत करती हूँ आप लोगों के लिए करती हूँ। तो आप लोगों को मेरी ये कोशिश पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट जरूर किया करें और अपने फीडबैक का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर किया करें। मैं सबके कमेंट्स रीड करती हूँ, मुझे खुशी होती है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के। तो एक दफ़ा ये बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपनी फैमिली में इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। ये फ्रेंड ये देखें हल्का सा लाइट पिंक पिंक शेड, ये देखें ब्राउन ब्राउन शेड इसकी स्टार्ट होगी होना, इसको हमने जलाना नहीं है जस्ट लाइट ब्राउन करना है बस। सिंक में दो, सिंक में जी फ्रेंड जी देखिए मुझे बस यही कलर चाहिए, इससे ज्यादा मुझे इसका कलर नहीं चाहिए वरना ये ना हो इसमें कड़वाहट आ जाए। चले सबसे पहले मैं इसको शिफ्ट कर लेती हूँ तड़के में। जी फ्रेंड्स ये देखें इसकी फाइनल लुक माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की शान है। फ्रेंड ये देखिए किस कदर खूबसूरत बना है। और ये देखें फ्रेंड जी मेरे पास नूरपुर वालों का वाइट बटर है जो मुझे बहुत पसंद है और ये अनसॉल्टेड और बहुत अच्छा है ये, और वाइट है ये साथ इसके साथ मैंने मक्खन रखा हुआ है और ये ऊपर देसी घी ऐड कर दिया मैंने, ठीक है। फ्रेंड्स आप ज़रूर बनाइएगा और अपना फीडबैक जरूर ऐड कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह, फिर मुलाकात होगी। ओके तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। ओके जी अल्लाह हाफिज़। ये आप इसका लास्ट रिव्यू देखें।